मेरे ख्याल से हमारे पास जो है इतना बड़ा शोरूम है जो कराची में कहीं भी नहीं होगा। इसका ये फ्रिज है, इसका ये इसका फ्रीजर है, ये पूरा ये इसके आइस बॉक्स भी हैं। आप एसी चाहें, किचन अप्लायंसेस चाहें, आप फ्रिज चाहें, हर चीज़ हमारे पास मिल जाएगी। आया नया मॉडल शार्प का और अपनी चीज मतलब एलजी का नो फ्रोस्ट मॉडल है। अच्छा, ये लंबाई में कम है लेकिन ये कबर्ड की तरह है। ये आपका नॉर्मली जो है फोर डोर आता है, इसमें नीचे जो फ्रीजर क्लीनर होते हैं, सारे मॉडल इन्वर्टर होते हैं इसमें दिया है। कोई चीज अगर आपको यहाँ से निकालनी हो तो आप इसका पूरा दरवाजा ना खोलें। अच्छा, आप इधर से खोल के अपना आइटम, इसमें जो है 6 बॉक्स बने होते हैं, आपके सारे बॉक्स अलग अलग है। इसका यहाँ से पानी, यहाँ फ्रंट से आपको जो है डिस्पेंसर लगा होता है इसका सारा। ठीक है ठीक है, इसको फ्रंट पे ग्लास होता है। अच्छा, ये टेम्पर ग्लास होता है। जिस तरह बाज़ औक़ात लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बार बार जो सब्जी के लिए मन झुकना पड़ता है, ये फ्रीजर है, ये फ्रीजर होता है। फ्रीजर के नीचे क्या है? ये भी फ्रीजर का ऑप्शन है। ये टेम्परेचर सेटिंग होती है, आप किस तरह की सेटिंग करना चाहते हैं। इसमें वाईफाई वगैरह सब होता है। कहते हैं कि नीचे डोर होते हैं। अच्छा, ये भी इसी तरह के फ्रीजर होते हैं। ये भी आपका 24 क्यूब फीट का ग्लास डोर में है, बाहर ग्लास लगा होता है। अच्छा, अलमारी है पूरी, ये भी अलमारी है। ये तो एक टू डोर है, पानी को सर्कुलेट करके अंदर देगा, यहाँ से बर्फ आएगी। अच्छा, और पानी आएगा, पानी भी आएगा, बर्फ भी आएगा। यही डिजाइन है, यही चीज है, साइज थोड़ा छोटा है मॉडल है हमारे पास। ये सबसे ज्यादा रनिंग वाला मॉडल है हमारा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सही होंगे। तो मैं हूं आगा जफर और आप देख रहे हैं मेरा हम ट्यूब 360 यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसी फ्रिज की आउटलेट पे खड़ा हूं जो कि पाकिस्तान में सबसे बड़े इंपोर्टर हैं, और यहां आपको लोकल फ्रिजेस नहीं मिलेंगी, सारी इम्पोर्टेड फ्रिज मिलेंगी। और जो ख़ास करके अलमारी बड़ी जो कहते हैं टू डोर वाली आपको फ्रिज मिलेंगी, और पूरा रिव्यू किया जाएगा इसकी, आपको प्राइजेस तमाम चीज़ों की आपको पूरा मुकम्मल तफसील दी जाएगी। तो उसके लिए मगर आपको एंड तक जुड़े रहना है, वीडियो एंड तक देखना है। तो इसमें बहुत अच्छा होने वाला है वीडियो, तमाम प्राइजेस मॉडल्स कितने की हैं और कौन कौन सी कंपनीज़ की हैं। तो हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले आपको कहूँगा कि मेरा चैनल ये लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर क्लिक करें। तो आए दोस्तों, फिर करते हैं सीन को ऑन। अस्सलाम वालेकुम मेहता भाई, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है मेहता भाई। ये जो आपकी सदर में ये शॉप है, जो आपने बताया कि यहाँ इम्पोर्टेड फ्रिजेस होती है, थोड़ा सा कौन से मॉडल होते हैं, क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं? और भी इलेक्ट्रॉनिक्स सारी आपके पास मैं देख रहा हूँ, मगर आज हमारा खास जो फोकस है वो रेफ्रिजरेटर है, गर्मियों की, जैसे कि गर्मी आए। तो थोड़ा मेरे व्यूअर्स को बताएं आपकी शॉप पे क्या क्या होती हैं और ये फ्रिजेस के कौन से मॉडल होते हैं, थोड़ा अपना इंट्रो दें शॉप का। हमारे पास फ्रिजों के अंदर आपको नो फ्रोस्ट के अंदर हर आइटम मिलेगा, इम्पोर्टेड के अंदर, लोकल नहीं होगा, सारा नो फ्रोस्ट होगा, इम्पोर्टेड में होगा। फोर डोर आएगा, अप एंड डाउन आएगा, साइड बाई साइड आएगा। आप अगर चाहें तो हमारे पास दो पीस के भी एक पीस होता है कि दो पीस बना के आप जो किचन में रखे जाते हैं वो सब हमारे पास मौजूद होते हैं। आप आएंगे, आपको विज़िट कराएंगे, आपको सब चीज़ें दिखाएंगे। हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मार्केट में नहीं मिलेगी हमारे डिस्प्ले के अलावा। और अगर आप पूरे कराची में भी घूमें अगर नो फ्रोस्ट के लिए, तो हमसे बड़ा मेरे ख्याल से हमारे पास जो है इतना बड़ा शोरूम है जो कराची में कहीं भी नहीं होगा। अच्छा, इस चीज़ की गारंटी है। अच्छा मेहता भाई, आज हमारा फोकस तो है फ्रिजेस, जैसा कि मैंने कहा, मगर मेरे व्यूअर्स को ये बताएं कि फ्रिजेस के अलावा आपके पास क्या क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक्स? हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक में तकरीबन हर कंपनी के एसी होते हैं। अच्छा, किचन अप्लाइंसिस काफ़ी है हमारे पास। अच्छा, आप हो वुड जो भी आप लेना चाहें सब हमारे पास होता है। कोई भी चीज़ आपको बाहर से परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारे शोरूम पर आते हैं तो हमारे शोरूम पे आपको एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप एसी चाहें, किचन अप्लायंसेस चाहें, आप फ्रिज चाहें, हर चीज़ हमारे पास मिल जाएगी। एलईडी चाहें आप जो चीज़ तमाम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें और ब्रांडेड क्वालिटी, हर ब्रांड का आपको यहाँ मिल जाएगा। अच्छा, लोकल भी चीज़ें बाकी मिलेगी फ्रिज के अलावा आपको इम्पोर्टेड में हर चीज़ मिलेगी हमारे पास। ठीक है, इम्पोर्टेड होगी। यहाँ का नंबर दें मेरे व्यूअर्स को। हमारी दुकान हाशू सेंटर के अंदर है, हाशू सेंटर में दुकान नंबर 61 है हमारी। अच्छा, आप इधर किसी से भी मालूम करना चाहें मालूम करें, वरना हमारा नंबर आपके पास यासिर इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से
आपको जो है कोई भी यहाँ छूट दे। अच्छा, इसके अलावा मेहता भाई ऑनलाइन अगर हमारे ऑनलाइन भी हमारा रब्ता हो सकता है, अगर आप ऑनलाइन करना चाहें तो ऑनलाइन कर दीजिएगा, वो भी कर देंगे आपका। अच्छा दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मेहता भाई का यहाँ का शॉप का मैं नंबर दे दूंगा, आप नंबर दे के ऑनलाइन भी उनसे रब्ता कर सकते हैं। तो मजीद वक्त टाइम ज़ाया किए प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, स्टे विथ अस एंड तक जुड़े रहना वरना अपना ही नुकसान करेंगे। तो आए मेहता भाई स्टार्ट करते हैं। जी मेहता भाई कहाँ से शुरू कर रहे हैं? हम यहाँ से शुरू करेंगे मिस्टोबिशी से। अच्छा, हमारे पास वैसे 4 डोर 2 डोर में हर मॉडल आते हैं। ये तो कबर्ड की तरह है, ये कबर्ड की तरह है, ये आपका नॉर्मली जो है 4 डोर आता है, इसमें नीचे जो फ्रीजर के लिए स्लाइडिंग का ऑप्शन होता है। अच्छा, कि आप यहाँ जो कोई भी चीज बर्फ जमाने के लिए रख दें। ठीक, ये इसका रेफ्रिजरेटर हो गया। ठीक हो गया, ये फ्रीजर है, ये फ्रीजर होता है, फ्रीजर नीचे क्या है? ये भी फ्रीजर का ऑप्शन है। वाह जबरदस्त, इसमें जो 3 ऑप्शन ऐसे दिए हैं कि फ्रीजर के लिए अलग है, रेफ्रिजरेटर अलग है, ये फ्रंट डोर कहलाता है। अच्छा, और ये इसमें आपको दिया होता है इम्पोर्टेड में आपको जो है सबसे बड़ा साइज है। अच्छा, और ये नो फ्रोज कहलाता है, थाईलैंड असेंबल्ड नो फ्रोज है। ये कितने क्यूबिक होता है? ये नॉर्मली आपका आता है 24 क्यूबिक फीट का मॉडल है ये। अच्छा, ये पूरी अलमारी है, ये पूरी अलमारी कहलाती है। बिजली का क्या इसका इलेक्ट्रिक? ये आपका बिजली कम से कम लेगा। अच्छा, इसकी वजह ये है कि इन्वर्टर मॉडल होते हैं। अच्छा, और इन्वर्टर मॉडल में किसी भी कंपनी का आप लेते हैं नॉर्मली जो है कम से कम बिजली लेगा। जी हाँ, और ये सारे मिस्टोबिशी का मॉडल है और ये न्यू मॉडल है। इसकी 3 साल की कंप्रेसर वारंटी होती है, 1 साल पार्ट्स विद सर्विस होती है, और ये मॉडल भी इसके 2023 के हैं। दोस्तों देख सकते हैं पूरा कबर्ड है ये। तो ये कितने प्राइस क्या है इसकी? ये आपको पड़ता है 7 लाख रुपए तक का। 7 लाख रुपए का। इसके 2 मॉडल आते हैं जिसमें आपने एक मॉडल में देखा जिसमें स्लाइडिंग आ रही है। ठीक है, एक मॉडल में आता है कि नीचे डोर होते हैं। अच्छा, ये भी इसी तरह के फ्रीजर होते हैं, ये भी आपका फ्रंट डोर ही कहलाता है। ये भी इन्वर्टर भी होते हैं, ये भी इन्वर्टर भी होते हैं, ये ऑटो आइस मेकर वाले मॉडल होते हैं। अच्छा, आप यहाँ पानी डाल के छोड़ दें। अच्छा, तो ये आपको जो पहली बार जो है 24 घंटे में आइस बना के देंगे, इसके बाद 12 घंटे में। अच्छा, ये सारी आइस नीचे स्टोर हो जाती है। अच्छा, और ये सारे ऑप्शन जो है आपके फ्रीजर के दिए हुए हैं। अच्छा, नीचे फ्रीजर है, पूरा फ्रीजर है नीचे। अच्छा, सब्जियां वगैरह, सब्जी वगैरह का ऑप्शन, वेजिटेबल बॉक्स ये है, फ्रिज हो गया। और ये सारे टेंपर ग्लास होते हैं, अनब्रेकेबल ग्लास होते हैं सारे। अच्छा, ये कौन सी कंपनी? मिट्सुबिशी। ये भी मिट्सुबिशी का है, ये भी 4 डोर है। ये भी पूरा कबर्ट है, पूरी अलमारी की साइज का है, और ये भी इन्वर्टर है। इसकी प्राइस क्या है? ये सब तकरीबन आपको पड़ता है 8 लाख रुपए तक का। अच्छा, ये उससे महंगा है? जी हाँ, ये थोड़ा सा चेंज बना हुआ है। अच्छा, ये भी 24 क्यूबिक। हाँ, इसमें जो है नीचे ऊपर से फ्रिज बड़ा बना है, फ्रीजर का ऑप्शन एक रखा है उसमें, फ्रीजर उसमें जो फ्रीजर के ऑप्शन 2 हैं, फ्रिज का ऑप्शन 1 है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा ये वाला? इसके अलावा हमारे पास ये साइड बाई साइड में आता है, सैमसंग का है। अच्छा, इसमें भी आपका बर्फ का ऑप्शन है कि आप इसको जो है इधर यहाँ बर्फ बनेगी, ये बर्फ यहाँ स्टोर होगी, यहाँ से आपके बर्फ और डिस्पेंसर के लिए पानी दोनों चीजें यहाँ से आ सकती हैं आपकी। अच्छा, ये साइड बाय साइड कहलाता है। अच्छा, और ये भी पूरी अलमारी है? पूरी अलमारी है। ये क्या सीन है? ये इसमें दिया है कोई चीज अगर आपको यहाँ से निकालनी हो तो आप इसका पूरा दरवाजा ना खोलें। अच्छा, आप इधर से खोल के अपना आइटम ले लें। अच्छा, पूरा दरवाजा ना खोलें। अच्छा, मतलब यही चीज आप अपना काम पूरा हो गया आपने इसको। ये कितने क्यूबिक का है? ये सैमसंग का है, ये भी 24 क्यूबिक फीट का है। अच्छा, ये कितने का? ये नॉर्मली आपको मिल जाता है 5.5 लाख का। अच्छा, और एक सैमसंग का आता है जिसमें डिस्पेंसर वगैरह नहीं होता, सादा होता साइड बाई साइड ही है। अच्छा, ये भी अलमारी है पूरी? ये भी अलमारी है। ये तो एक 2 डोर है? ये 2 डोर है। ठीक हो गया दोस्तों, देख सकते हैं ये 2 डोर अलमारी है। ये को भी सैमसंग का है? ये भी सैमसंग का मॉडल है। अच्छा, ये क्या है? ये इसका आइस मेकर है, आप यहाँ पानी डाल के छोड़ देंगे, आइस बनेगी, नीचे आप इसको स्टोर करेंगे। अच्छा, घुमा के नीचे स्टोर हो जाएगी। अच्छा, फ्रीजर इसमें कहाँ है? ये फ्रीजर का ऑप्शन है। अच्छा, एक फ्रीजर है और एक ये फ्रिज है पूरा। ठीक हो गया। इसकी ये भी 24 क्यूबिक है, ये भी सेम, और इन्वर्टर है सारे मॉडल। ये कितनी प्राइस कितनी इसकी? ये वाला आपको मिलेगा 4,80,000 रुपए का। अच्छा, इसकी भी 10 साल वारंटी कंप्रेसर? 3 साल। मॉडल ये आया है नया। ठीक, अच्छा नया मॉडल ये है, ये तोशिबा का नया मॉडल है जिसमें डिस्पेंसर का ऑप्शन है। अच्छा, डिस्पेंसर इधर लगा हुआ है। ठीक हो गया, इसमें आप यहाँ पानी डालें। अच्छा, 3.5 लीटर का पानी आप डालें, पूरा डिस्पेंसर यूज कर सकते हैं। अच्छा, अगर डिस्पेंसर यूज नहीं करना तो उसको आप निकाल दें। अच्छा, कोई और आइटम रखना चाहें आप रख सकते हैं। अच्छा, ये फ्रिज है इसका? ये फ्रिज है इसका, ये इसका फ्रीजर है, ये पूरा आइस बॉक्स। जी हाँ, ठीक हो गया। ये इसका अभी 2023 का नया मॉडल आया है, मतलब इसमें फ्रीजर अलग लेने की जरूरत ही नहीं। नहीं, ये टोटल फ्रीजर आ जाता है। इतना बड़ा फ्रीजर है, इतना बड़ा फ्रीजर है, कोई पूरी दोस्तों का
पूरा आप अपना हिस्सा इसमें बल्कि ज्यादा ही डाल सकते हैं। वेजिटेबल बॉक्स का ऑप्शन अलग है, यहाँ फ्रीजर का ऑप्शन अलग है, पूरी अलमारियाँ हैं। ये अलमारी है, ये इसकी क्या प्राइस है? ये आपको मिल जाएगा 4,25,000 रुपए का। 4,25,000। इसकी ये कंपनी कौन सी बताई? ये तोशिबा। तोशिबा, ये तोशिबा का। अच्छा, ये टच पैनल है पूरा? ये सारा टच पैनल होता है। आप अगर फ्रीजर की सेटिंग करना चाहे फ्रीजर की सेटिंग आ जाएगी, रेफ्रिजरेटर की चाहे रेफ्रिजरेटर की आ जाएगी। अच्छा, ये पकड़ने के भी बड़े हैंडल है। और ये डिस्पेंसर, इसकी प्राइस क्या है? ये आपको पड़ रहा है 3,80,000 रुपये का। 3,80,000। वो कंप्रेसर वारंटी कितनी? 3 साल कंप्रेसर, 1 साल पार्ट्स। ये भी इन्वर्टर मॉडल है। अच्छा, ये बड़े सारे इन्वर्टर है? हाँ, सारे हर मॉडल इन्वर्टर। अच्छा, ये हिटाची का? ये हिटाची का है, 4 डोर। अच्छा, ये 4 डोर है। ये इसका ऊपर फ्रीजर हो गया, नीचे फ्रिज हो गया, ये इसका डिस्पेंसर का ऑप्शन है, पानी यहाँ डालेंगे। अच्छा, फ्रंट से आपको डिस्पेंसर है, पानी आएगा, ठीक हो गया। इसके ये भी इसका नया मॉडल है। अच्छा, ये भी 2023 का मॉडल है? ये भी 2023 का है, ग्लास डोर में है। अच्छा, ये भी ग्लास, इसके भी ये भी ग्लास डोर है। सब टेम्पर ग्लास होता है, ये टूटेगा नहीं वजन से, आपका सारा वजन उठाएगा ये। अच्छा, इसमें वेजिटेबल बॉक्स का ऑप्शन दो होते हैं अलग, ये दोनों यूज अलग अलग। अच्छा, ये क्या है? ये इसका फ्रीजर, ये इसका वही आइस मेकर है, पानी डाल के आप रख देंगे, आइस को स्टोर करेंगे, नीचे स्टोर हो जाएगा, ठीक हो गया। ये भी 24 क्यूबिक है, ये भी तकरीबन यही साइज है। अच्छा। और ये 4.25 लाख का है। 4.25 लाख रुपए हिटाची का। और वारंटी वगैरह इसकी वही 10 साल है इसकी? 3 साल होती है, ये लिखा हुआ है। ये इंपोर्ट जो करता है वो 3 साल वारंटी। अच्छा, बाहर की इंपोर्ट की, यहाँ की आप 3 साल कंप्रेसर की देते हैं, ठीक हो गया, ठीक। और एक इसमें 4 डोर में हमारे पास ये शार्प का भी आया नया मॉडल। हाँ, शार्प का भी नाम है, 2023 का मॉडल है। देख सकते हैं, ये भी पूरा कबट है। इसमें जो 6 बॉक्स बने होते हैं आपके, सारे बॉक्स अलग अलग हैं। ये आइस के हैं सब। फ्रीजर करेंगे, ये फ्रीजर आपका काम करेगा। ये सारा फ्रीजर है ना? पूरा फ्रीजर है आपका दोस्तों। ये फ्रीजर है इसका, और ये इसका फ्रिज का पोर्शन है। और 4 डोर है ये इसकी, ये देख सकते हैं कैपेसिटी काफी, मेरे ख्याल में तो बहुत वाइड के। ये इसके टेम्पर ग्लास है, इसके टेम्पर ग्लास है। ये वेजिटेबल के, ये वेजिटेबल के आपको बॉक्स दिए गए आपके सारे, ये खोलेंगे आप। अच्छा, जो आइटम निकाले बना रख दे। अच्छा, ये चीज इसमें भी सही आएगी आपको। ये उसका है शार्प का है। ये भी इसके बहुत बड़े हैं ये वाले। ये इसके साइड के रैक सबसे बड़े इसी में आते हैं। अच्छा, ये इसकी भी 3 साल वारंटी है कंप्रेसर? 3 साल कंप्रेसर, 1 साल पार्ट, 1 साल सर्विस। अच्छा, ये यहाँ ये सारे इसके जो है पैनल टच होता है, जो भी आप सेटिंग करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं आप। अच्छा, सेटिंग में क्या क्या कर सकते हैं हम? सिर्फ आप जो है रेफ्रिजरेटर का जो है ऑप्शन ऊपर से सेट कर सकते हैं, नीचे फ्रीजर का कम ज्यादा टेम्परेचर कर सकते हैं, टेम्परेचर कम ज्यादा करना चाहे। अच्छा, इसकी प्राइस क्या है? ये आपको पड़ेगा 6.5 लाख का। 6.5 लाख का, वही 3 साल वारंटी, 24 क्यूबिक, ठीक हो गया। और ये कौन सा? सैमसंग का है। ये 4 डोर में, ये भी 4 डोर है, ठीक हो गया। इसमें एक चीज का ऑप्शन ये दिया है कि आप ऊपर रेफ्रिजरेटर है, नीचे फ्रीजर है। अच्छा, अब आप इसके एक साइड को जो है कभी भी चिलर बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। अच्छा, चिलर में ये फायदा होता है कि ये फ्रीजर से कम काम करेगा, फ्रिज से ज्यादा। अच्छा, बीच के दरमियान में किसी भी चीज को आप आइटम को उसमें रखेंगे। अच्छा, तो ये जमाएगा नहीं, सिर्फ ठंडा करेगा। अच्छा, और ठंडा इतना करेगा कि आप जैसे पानी की बोतल 1 महीने भी इसमें रख दें तो बर्फ नहीं जमेगी, सिर्फ पानी ठंडा मिलेगा। अच्छा, सारी वैसे नान जो दिखाई थी सब नान, ये सब नो फ्रॉस्ट होती है। और ये इसका फ्रीजर का ऑप्शन है, ये रेफ्रिजरेटर है इसका, ये रेफ्रिजरेटर, ये सब्जियों का हो गया। और ये इसका ये ऑटो आइस का ऑप्शन है कि आप बर्फ बनाएंगे या बर्फ क्रश होके आएगी। अच्छा, ये इसका वो है डिस्पेंसर बाहर से दिखाई नहीं, इसमें डिस्पेंसर का ऑप्शन नहीं है। अच्छा, ये जग यहाँ जमेगी। अच्छा, यहाँ पानी डाल के छोड़ेंगे, वाटर लिखा है ना आपका, वाटर फ्री। हाँ। यहाँ से जो आपका बर्फ यहाँ पे क्रश होके आएगी। अच्छा, ये जग ठीक हो गया, जबरदस्त। ये किसका है? सैमसंग का। इसकी क्या प्राइस है? ये 6 लाख रुपए का। 6 लाख रुपए का, वारंटी वगैरह वही 3 साल और 1 साल कंप्लीट, ठीक है। इसके अब आ जाए इसे हिटाची में, अगर साइड बाय साइड चाहते हैं तो ये हिटाची का साइड बाय साइड है। ये टू डोर में, ये भी अलमारी है पूरी। जी हाँ, ये हिटाची के नाम से है, ये हिटाची भी थाईलैंड से आता है। अच्छा, इसकी भी सेम वारंटी है। एक फ्रीजर है इसका, ये टोटल फ्रीजर है, ये टोटल फ्रिज है, ये टोटल फ्रिज है। नीचे तक दोस्तों, नीचे तक आपका फ्रिज आपके काम करेगा, और ये नीचे से ऊपर तक ये जो है फ्रीजर है, हर चीज उसको फ्रीज करने का है, वो हर चीज का ठंडा करने का। ठीक हो गया। ये हिटाची का है, इसमें फ्रंट पे ग्लास होता है। अच्छा, ये टेम्पर ग्लास होता है। अच्छा, जिस तरह इसमें ग्लास दिया हुआ है वही ग्लास ऐसा होता है, ठीक हो गया, ये टूटने वाला नहीं होता, अनब्रेकेबल ग्लास है। अच्छा, ये सारी इम्पोर्टेड है? जी हाँ जी, हमारे पास सब तकरीबन थाईलैंड,
आपका जो है 10 ईयर जो वारंटी है वो इंटरनेशनल है, ये आप जी हाँ हमारे यहाँ मिलेगी आपको 3 साल वारंटी। ठीक हो गया ये डिफरेंट लग रहा है थोड़ा सा। ये इसका LG का सबसे नया मॉडल है। अच्छा, जिसे LG का नॉक नॉक कहते हैं। अच्छा, इसमें आपका ये फ्रीजर का ऑप्शन है। अच्छा, और ये इसका रेफ्रिजरेटर है। अच्छा, अब इसमें आपका जो अगर बर्फ का ऑप्शन आप चाहें तो इसके लिए 3 ऑप्शन दिए हुए। अच्छा, क्या बर्फ का ऑप्शन पानी वाटर वगैरह किस तरह आप लेना चाहते हैं वो सारी चीजें यहाँ से आपके आएंगी। अच्छा, इसके पीछे एक पंप लगता है वो पानी को सर्कुलेट करके अंदर देगा, यहाँ से बर्फ आएगी। अच्छा, और पानी आएगा, पानी भी आएगा बर्फ भी आएगा, क्यूब्स आएंगे, क्यूब्स आएंगे। ठीक, और अगर आप जब इसको आप देखना चाहें, जैसे आपका फ्रिज ऑन है, अब आपको नहीं पता चलता अंदर क्या चीज लगी है, आप इसको नॉक नॉक करेंगे तो अंदर ऑटोमेटिकली लाइट जल जाएगी। ये LED लगी हुई है, अंदर लगी हुई है LED है। जब आप दरवाजा बजाएंगे तो अंदर लाइट जलेगी, आपने इसको खोलना है। अच्छा, और अपनी चीज मतलब की चीज लेके दरवाजे को नहीं खोलने। ठीक हो गया, ये आपका डायरेक्ट हो गया, आप ये चीज निकाल के नॉक करेंगे दोस्तों तो LED अंदर ऑन हो जाएगी, आपको चीज दिखाएगी कि क्या चीज कहाँ रखी है। अच्छा, ठीक हो गया। ये कितने क्यूबिक के? ये भी इसका जो 24 क्यूबिक फुट का है, LG का है, ये इसका न्यू मॉडल है। अच्छा, लॉक बॉक्स साइज कहलाता है ये। अच्छा, ये आपको पड़ रहा है 6,80,000 रुपए का। 6,80,000, 3 साल वारंटी। 3 साल वारंटी सबकी सेम है। ठीक है, 3 साल और 1 साल, किसी में वारंटी जो अप एंड डाउन नहीं है। ठीक हो गया, जो कंपनी वारंटी इम्पोर्टर देता है वो वारंटी आपको मिलनी है। ठीक हो गया, वारंटी के बाद भी अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम आती है, अब हमसे ही कॉन्टेक्ट करें, हम वो करवा के दे सकते हैं। सही करवा के जो पार्ट आपको चाहिए वो भी आपको मंगवा के दे सकते हैं। ठीक हो गया, ये हिटाची का नया मॉडल है 4-डोर में। अच्छा, ये भी इसका जो है 4-डोर आपका ऑप्शन है, नया मॉडल है, जबरदस्त। इसमें भी आपका एक ऑप्शन जो है 4 डोर चिलर बना सकते हैं। जी हाँ, 4 डोर में आता है ये। नीचे जो है फ्रीजर है मगर एक चिलर है, एक चिलर बना सकते हैं वरना। अच्छा, फ्रीजर के तौर पे भी यूज कर सकते हैं दोनों को। ठीक है, ये फ्रिज हो गया, ये इसका फ्रिज हो गया। इसमें वेजिटेबल बॉक्स का ऑप्शन 4 है। ठीक है, ये सारे पानी के ऑप्शन है, ये आपके वेजिटेबल बॉक्स है। ठीक हो गया, 4 डोर फ्रीजर का ऑप्शन। ठीक है, ये हिटाची का है। इसकी क्या प्राइस है? ये आपको पड़ता है 6 लाख रुपए का। 6 लाख रुपए का। इसके अलावा ये आपको एक चीज दिखा रहा हूँ मैं, ये एक चीज सबसे मुनफरिद कहते हैं आप इसको, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि जब हम अपना किचन नया बनाते हैं जिसमें कबर्ड बनी हुई होती है, ये कबर्ड के अंदर आप इसको फिक्स करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ से अलग अलग ना, ये 2 पीस होते हैं। अच्छा, 2 पीसों में ये फायदा होता है कि जब हम अपनी कबर्ड बनाते हैं किचन की तो उसको हम एक साथ जोड़ के भी रख सकते हैं। अच्छा, तो ये हमारा फ्रीजर है पूरा। अच्छा, नीचे ये पूरा फ्रीजर है। अच्छा, और ये पूरा रेफ्रिजरेटर है। अच्छा, इसमें ये फायदा है कि आपको दोनों चीजें अलग अलग मिलती है, आप जितना भरना चाहें भरें इसको फ्रीजर को। अच्छा, ये आप फ्रिज को टच नहीं करेंगे, फ्रिज में जो चीज आप रखना चाहें उसमें रेफ्रिजरेटर। जैसे कहीं पे हम वो उधर जगह होती है बनाने की तो फिक्स किचन जाता है। अक्सर जो है किचन आजकल जो बन रहा है वो इसी तरह का बनता है जिसमें पूरा पेयर रखा जाता है। अच्छा, ये नॉर्मल पेयर के तौर पर ही जाता है। अच्छा, और पेयर में ही लोगों को ये फायदा होता है कि भाई दोनों चीजें हमारी एक साथ रखी गई है। अच्छा, ये कौन सी कंपनी का है? ये हमारे पास सैमसंग का है। अच्छा, ये दोस्तों 2 पीस में है, और ये इसका डिस्पेंसर है। ठीक हो गया, और ये इसका जो ऑप्शन करेंगे यहाँ से करेंगे आप सारे सिस्टम, इसके भी और उसके भी। ये भी 24 क्यूबिक है। जी हाँ, इसकी प्राइस इससे बड़ा है, ये 26 क्यूबिक है। 26 क्यूबिक। जी हाँ, ये 7.5 लाख रुपए का है। नो फ्रॉस्ट है दोस्तों, देख सकते हैं, फ्रीजर में बर्फ नहीं जमेगी। 7.5 लाख रुपए। जी हाँ, इसमें एक चीज हमारे पास सैमसंग, ये कलर आता है, ये कलर आता है, व्हाइट कलर, एक सिल्वर कलर, 2 पीसेस में। जी हाँ, अंदर से दोनों सेम होते हैं, कलर का फर्क होता है, प्राइस सेम होती है दोनों में। ठीक हो गया। इसके अलावा एक ये नई चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, ये भी जो 2 पीसों में होता है इसको भी आप कबर्ड के तौर पर अपने यूज कर सकते हैं। अच्छा, और आप इसको एक पीस भी परचेज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अच्छा, ये एक भी कर सकते हैं, ये उससे ज्यादा चौड़ा है जो आपने सैमसंग देखा। हाँ, ये तोशिबा का है। अच्छा, चौड़ाई में भी ज्यादा है, गहराई में भी ज्यादा है। अच्छा, एक हम अगर लेते हैं तो उसमें फ्रीजर नीचे होगा? नीचे फ्रीजर होगा, ये रखा हुआ ना आपका। अच्छा, दोनों में फ्रीजर है, ये लेफ्ट और राइट का ऑप्शन होता है बाजू का। अगर आप पेयर लेते हैं तो पेयर लेफ्ट राइट दोनों जाएंगे। अच्छा, और अगर आप चाहें कि मुझे एक पीस चाहिए तो आप एक पीस भी परचेस कर सकते हैं, उसमें भी आप लेफ्ट राइट दोनों इतने से दोनों नीचे फ्रीजर। जी हाँ, और ये फ्रीजर जो चीज आप यूज करना चाहें कर सकते हैं। फ्रिज का ऑप्शन आ गया। ठीक है, ये वेजिटेबल्स का। ठीक है, इसकी क्या प्राइस है? ये आपको अगर पेयर के तौर पे लेते हो तो 7 लाख रुपए है, अगर सिंगल में अगर लेते हैं तो 3.5 लाख रुपए का। जी इसका LG का नो फ्रॉस्ट मॉडल है। अच्छा, ये लंबाई में कम है लेकिन चौड़ाई में ज्यादा होता है। नो फ्रॉस्ट है, नो फ्रॉस्ट है सारे। ये डोर कूलिंग वगैरह वाला ऑप्शन दिया होता है इसके अंदर। अच्छा, डोर तक कूलिंग आएगी इसकी।
ये इसका 22 क्यू फिट का मॉडल होता है। अच्छा, नो फ्रॉस्ट में। अच्छा, ये आपको पड़ता है तकरीबन 3,50,000 रुपए का। अच्छा, नो फ्रॉस्ट में। और इसकी क्यूब कितने हैं? ये 22 क्यू फिट का है। अच्छा, 22 क्यूब का इन्वर्टर है ये? इन्वर्टर होते हैं, सारे मॉडल इन्वर्टर होते हैं, इसमें सारे ऑप्शन। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक बात और क्लियर करूंगा, ये सारे इम्पोर्टेड फ्रिज है, लोकल नहीं है, यही नहीं है बताऊँ? ठीक है, लोकल कुछ भी नहीं है, सब इम्पोर्टेड होता है और बाकायदा इम्पोर्ट होता है। ये किसी का बैगेज का आया हुआ या बना डॉक्यूमेंट्री आपके पास? कम्प्लीट। एक इसी का मॉडल आता है जिसमें डिस्पेंसर के साथ है। अच्छा, ये भी यही साइज है, यही डोर कूलिंग है, डिस्पेंसर का ऑप्शन वैसे ही यूज करेंगे हम। अच्छा, जिस अगर हम पानी भर के रखेंगे, पानी अगर भर दिया आपने तो ये इसका कवर है। अच्छा, ये कवर आप ऊपर लगा देंगे तो पानी आपका यूज होता सेव हो जाएगा। जी हाँ, ठीक है। और अगर चाहते हैं मुझे पानी का ऑप्शन यूज नहीं करना तो उसको हटा दें। ये इसका यहाँ से पानी फ्रंट से आपको जो डिस्पेंसर लगा होता है इसका सारा। ठीक है, ठीक है, इसको खोलने की जरूरत ही खोलने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये भी काफी ह्यूज साइज है। जी हाँ, ये भी 22 क्यूबिक है, ये 22 फिट का है, ये थोड़ा लंबा है। हाँ, ये थोड़ा बड़ा लगा, चौड़े भी है लंबाई में भी है। ये कौन सी कंपनी के? LG के हैं ये सारे। वो भी LG का था, वो भी LG का था, ये भी LG का है। इसकी भी वारंटी तीन साल है। और ये सारे स्मार्ट इन्वर्टर होते हैं मॉडल सब। ये कितने का? ये आपको पड़ रहा है 3,60,000 रुपए का। 3,60,000 का, ठीक है, ठीक है, आगे चलें फिर। इसका एक मॉडल LG का आता है जिसमें फ्रीजर नीचे है और रेफ्रिजरेटर ऊपर है, उल्टा काम। जी हाँ, बाज़ औक़ात लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बार बार जो सब्जी के लिए मैं झुकना पड़ता है, तो इन्होंने ऑप्शन दिया है कि आप फ्रिज को ऊपर कर दें, फ्रीजर नीचे कर दें। ठीक है, अभी टोटल आइटम जो फ्रीजर नीचे है इसका देख सकते हैं आप, ये फ्रिज है, ये जो चीज़ें आप यूज करना चाहें, सब्जी वगैरह सारी चीजें इसमें आपकी आ जाएंगी। ठीक है, यही सारा फ्रीजर का ऑप्शन आपके दिया हुआ है, आप किस तरह यूज करना चाहते हैं। ठीक है, सब आपके। ठीक हो गया, ये इसका डिस्पेंसर है। ये इसका डिस्पेंसर है, यहाँ पानी डाल के छोड़ देंगे। अच्छा, और यही आप उसको वाटर यहाँ से आपके आता रहेगा। ठीक है, ये कितनी देर में वैसे ठंडा करता होगा? ये नॉर्मली आपके जो 2 से 3 घंटे जब अच्छा, आप पानी डाल देंगे। ये टेम्परेचर सेटिंग होती है, आप किस तरह की सेटिंग करना चाहते हैं, इसमें वाईफाई वगैरह सब होता है। अच्छा, जिसकी एप्लीकेशन आती है उसको आप ओके करेंगे तो आप वाईफाई मोबाइल से भी आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें चाइल्ड लॉक वगैरह सब होता है। ठीक है, ये कितने का? ये तकरीबन 3.5 लाख का। 3.5 लाख का, ठीक है, आगे चलें फिर। अब LG का एक मॉडल है, इसका 20 क्यू फिट का। अच्छा, अगर साइज अगर छोटा चाहे, साइज हमारे पास सब है, जो साइज आप चाहेंगे वो साइज आपको मिलेगा, नया मॉडल में मिलेगा, ये भी गारंटी है। ठीक है, ये इसका 20 क्यू फिट का है, ये 3,10,000 रुपए का है। ठीक है, ये सब डोर कूलिंग वाले मॉडल होते हैं। ठीक है, और ये सब कोई लंबाई में होता है, कोई चौड़ाई में होता है। ठीक है, 22 क्यूब है, ये 20 क्यूब फिट, 20 क्यूब की। इसकी प्राइस क्या है? ये 3,10,000 रुपए का। 3,10,000 रुपए का, ठीक है, इम्पोर्टेड फ्रिज है, 3,10,000 रुपए का। ये इसका 24 क्यूब फिट का ग्लास डोर में है, बाहर ग्लास लगा होता है। अच्छा, और ये अंदर से चौड़ा ज्यादा है। अच्छा जी, ये उससे ज्यादा चौड़ा है जो आपने पहले देखा है। फ्रीजर भी इसका बहुत चौड़ा है, 24 क्यूब फिट का है। अच्छा, जबरदस्त। LG का था, हाँ, ग्लास डोर में 24 क्यूब फिट वाला। इसकी प्राइस? ये 3,60,000 रुपए का। 3,60,000 रुपए का दोस्तों, देख सकते हैं 24 क्यूब का। अब इसमें आते हैं, सैमसंग का मॉडल है। ठीक है, ये भी 20 क्यूब फिट का है। ठीक है, ये क्या है? ट्विन कूलिंग। ये कूलिंग का ऑप्शन दिया होता है कि कूलिंग ज्यादा करे, डबल फैन लगा होता है इसमें कि फास्ट कूलिंग करेगा ये। अच्छा, इसीलिए से ट्विन कूलिंग कहते हैं। अच्छा, ये कितने क्यूबिक है? ये भी 20 क्यूब फिट का है। अच्छा, और ये भी तकरीबन आपको 3 लाख रुपए तक का पड़ता है। तो सारे ये बर्फ नहीं जमाते दोस्तों? कोई भी बर्फ नहीं जमाएगा, जो चीज आप रखेंगे वो जमेगी, अदरवाइज कोई एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं जमेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ये हर जो ना, इसको कभी आपको सफाई करने की जरूरत है? ठीक है, ठीक। 3 महीने में भी एक बार सफाई करें बहुत है, बस इसकी भी जरूरत नहीं है। अच्छा, ये कितने का? ये आपको पड़ रहा है 3 लाख रुपए का। 3 लाख रुपए। और ये इससे छोटा है, 16 क्यूब फिट का। यही डिजाइन है, यही चीज है, साइज थोड़ा छोटा है, 16 क्यूब फिट का है। अंदर से सेम वही चीज है, थोड़ी सी जो है गहराई का फर्क होता है, थोड़ी साइज में थोड़ा सा फर्क। ये 16 क्यूब फिट के ग्लास इसके शीशे के टेम्पर के, सब टेम्पर ग्लास है। ठीक है, इसमें ये वजन से टूटेगा नहीं, ये टेम्पर होता है, ये तकरीबन 60 kg का वजन उठाता है। अच्छा, आपको कोई चीज भी इसमें ऐसी रखते हैं आपको लगे टूटने का डर, ऐसा कुछ भी। ये कितने का? ये 2,65,000 रुपए का। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब इसका आता है हमारे पास। अच्छा, ये जो दिखा है सारे, ये सारे ये भी इन्वर्टर है? सब इन्वर्टर, सब स्मार्ट इन्वर्टर, डिजिटल इन्वर्टर है सारे। सब इन्वर्टर है? जी हाँ, सारे मॉडल इन्वर्टर आते हैं। ठीक है, बाहर के साथ? जी हाँ,
इन्वर्टर में ये होता है ज्यादा ज्यादा 1 एम्पियर या 1.5 एम्पियर ऐसा कोई ले। सुपर एनर्जी सेविंग जी हाँ, इसमें जो बिजली की सेविंग का दिया है ये भी इन्वर्टर है, ये पैनासोनिक का मॉडल है। अच्छा, इसमें टच सिस्टम है? ये भी टच सिस्टम है, ये 20 क्यू फीट का मॉडल है हमारे पास, ये सबसे ज्यादा रनिंग वाला मॉडल है हमारा। अच्छा, क्योंकि जिस प्राइस में ये है जितनी चौड़ाई में ये है ऐसा कोई मॉडल हमारे पास नहीं है। ये क्या है, बर्फ का? वही आपका बर्फ का ऑप्शन आएगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा हमारा रनिंग मॉडल है ये। अच्छा, इसकी वजह ये है कि इसकी चौड़ाई भी ज्यादा है, गहराई भी ज्यादा है और प्राइस भी कम है। प्राइस कितनी है? ये इसका 20 क्यूबिक फीट का चौड़ाई वाला है, आपको पड़ा 285 का। अच्छा, 2,85,000 का आपको सबसे चौड़ा मॉडल हमारे यहाँ का, और वही 3 साल की वारंटी। जी हाँ, कंप्रेसर की और 1 साल पार्ट्स और पैनासोनिक है, थाईलैंड असेंबल्ड होता है, जैपनीज कंपनी असेंबलिंग थाईलैंड से होती है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, यही गारंटी आपको मिलती है, सारे टेम्परेचर वगैरह सब ऑटो है। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों, आई होप कि आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त लेने से पहले हमेशा की तरह आपको कहूँगा, अपना अपने गिरनावा में दोस्तों का, अजीजों का बहुत सारा ख्याल। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।